पेड़ है शायद थोड़ा सा। नीचे होके क्यों बैठा है भाई? मेरा मामा छोटा नहीं है, वो बस नीचे होके बैठा है। How are you guys? I hope everyone is doing great. I hope you guys are staying safe. ये वीडियो रिकॉर्ड करने से पहले हम लोगों ने इसके लिए 3 वीडियोस रिकॉर्ड करने का ट्राई किया। ये मेरा मामा एक बॉय, सेंसिटिव बॉय, सॉफ्ट बॉय। बाहर कुछ तोड़ा फोड़ी हो रहा। कुछ तो गिरा के गया ऐसा कुछ जोर से। तो मैंने काफी टाइम पहले सबको बोला था, सबको बोला था कि बोला था सबको बोला था गाइस सबको बोला था कि हमारे बारे में उनको जितने भी अजम्पशंस हैं वो भेजने के लिए। और मैंने उनमें से सबसे ज्यादा सॉर्ट ऑफ वियर्डेस्ट सॉर्ट ऑफ मीन अजम्पशंस निकाले हैं फॉर अस टू रिएक्ट टू। अजम्पशन स्कूल होते हैं, कितना फन होता है ना कि स्ट्रेंजर्स हमारे बारे में क्या सोचते हैं। एग्जैक्टली। और एक फर्स्ट अजम्पशन है, यू आर रिच एज फक, आर वी? आई मीन इट डिपेंड्स ऑन क्या रिच है। हाँ, तुम्हारे परसेप्शन क्या है तुम्हारे लिए? वी आर नॉट रिच, हमारे परसेप्शन से वी आर नॉट रिच एट ऑल टू बी वेरी ऑनेस्ट, बट वी आर वेरी कंफर्टेबल बिकॉज हमारे उतने नीड्स नहीं है। हाँ, है ना, एकदम ऑनेस्ट आंसर है ये, इससे ज्यादा ऑनेस्ट मुझे नहीं लगता हम हो सकते हैं। हाँ, सो वी आर वेरी कंफर्टेबल। बट मेरे हिसाब से वो चीज रिच होना नहीं हुआ जहाँ पर तुम सैक्रिफाइसेस कर रहे हो। ना कि मतलब 10 बार सोच रहे हो किधर भी जाने से पहले, कुछ भी करने से नहीं। हम लोग बहुत सोचते हैं, हम लोग, हमारा बहुत डिस्कशन होता है, बहुत हम लोग एक दूसरे का बाल खींचते हैं, एक दूसरे को सुनाते हैं, और उसके बाद तुम लोग खाली अच्छा प्रोडक्ट दिखते हैं कि हम खुशी खुशी वहां पर पहुंच गए। उसका मतलब ये है कि ममन सिर्फ जाने के लिए बोलते हैं और मैं उसको मना करती हूँ, और फिर ये मेरे को इधर मारता है और मैं नेक्स्ट मॉर्निंग उठती हूँ और मैं उसी जगह पे होती हूँ। नेक्स्ट अजम्पशन थोड़ा सा चुभने वाला है, योर रिलेशनशिप हैज लॉस्ट इट्स स्पार्क बट यू गाइज हाइड इट ऑन सोशल मीडिया। ऑन सोशल मीडिया हम लोग बहुत ज्यादा रियल लाइफ से बहुत कम फन है, मुझे मेरा ऐसा परसेप्शन है। हम लोग रियल लाइफ में जैसे हैं ऐसे दरवाजे जैसे ही है हम लोग, एकदम लाउड। सोशल मीडिया पे हम लोग बहुत ज्यादा मतलब अपने आप को होल्ड बैक करके रहते हैं अभी इन दिनों, मैं ये बोलूंगा। तो अगर लोगों को ऐसा लग रहा है कि सोशल मीडिया के लिए हम लोग ये कर रहे हैं। थर्ड असम्पशन है, यू डू नॉट वॉन्ट टू हैव अ बेबी। आई हैव अ बेबी, आई ऑलरेडी हैव अ बेबी। आई थिंक हम लोग खुद ही अभी बहुत लाइक वी आर वेरी, आई वोंट से वी आर वेरी यंग, मतलब एज के हिसाब से नहीं, मतलब हमारे खुद के नीड्स पूरे नहीं हुए। एक बार हम लोग खुद सेटिस्फाई हो जाए फिर हम लोग जाके सोचेंगे। मालूम पड़ा बच्चे को दे रहे और मेरे को वो चीज चाहिए, मेरे को नहीं मिल रहा है तो बच्चे को जॉर्डन्स बना रहे हैं, माँ बाप के पास खुद के जॉर्डन्स नहीं है। पहले तुमको मिले उसके बाद उसको मिले, ठीक है? नहीं, मेरे को भी मिले और तेरे को मिले तो ठीक है। हाँ, बट सिर्फ उसको मिले, बट सिर्फ उसको मिले तो मैं उसमें अंगूठा डाल के घूमूंगा, बट मेरे को भी चाहिए वो। यू विल बी रिवीलिंग ओनली फैंस अकाउंट, आई विश वी कुड। मतलब इंडिया में इतना ज्यादा अगर ऐसा लीगलाइज लीगल होता तो हम लोग शायद कर भी लेते। हाँ, अगर हम लोग दिमाग से थोड़े और ज्यादा खुले हुए होते तो भी हम लोग कर लेते। मतलब उसमें दिमाग खुलने का जरूरत नहीं है, बट थोड़ा सा है। आई मीन यू गेट व्हाट वी मीन। यू हैव डन यूपीएससी क्लासेस एंड इन वजीराम वन ऑफ द बॉयज सी यू इन देयर। हाँ, तुमने किए क्या? यूपीएससी क्या होता है? अगर हमने यूपीएससी किया होता तो हम लोग अभी यहाँ नहीं बैठे होते, हम लोग ये कॉन्वर्सेशन नहीं कर रहे होते। यूपीएससी क्या है ये सवाल ही नहीं आता था। एग्जैक्टली। तो जिस भी लड़के ने हम दोनों में से किसी को भी देखा है वो झूठ बोल रहे हैं। यू गाइज आर बाय बाइपोलर, यस डेफिनेटली। बाइसाइकल, यस। बाइगॉन्स, डेफिनेटली यस। बाइकर बॉयज, oh hell yeah. But I don't think that is what the assumption is. We are not that interesting, we are very very boring. We are strictly into each other. Yeah, we are not even any more trisexual. Damn, is Riya more dominating? डोमिनेटिंग नहीं है बट मेरे से ज्यादा स्मार्ट है, ये मैं अग्री कर सकता हूँ कि मतलब उसको बहुत ज्यादा ऐसा वाइड प्रस्पेक्टिव है उसको वर्ल्ड का, जिस तरीके का मीडिया वो कंज्यूम करती है, जिस तरीके के लोगों को वो फॉलो करती है, जिस तरीके के लोगों को लुकअप टू करती है, वो बहुत ही डिफरेंट है। मैं जिन लोगों को भी लुकअप टू करता हूँ मेरे को उनका रियलिटी के बारे में कुछ पता नहीं है। फॉर एग्जाम्पल शाहरुख,
है ना, मतलब मैंने उसका सिर्फ अच्छा अच्छा बात सुना हुआ और वो बहुत इजी है सोशल मीडिया पे वो करना. बट आई डोंट थिंक मतलब एसेंशियली वो चीज ज्यादा स्मार्ट होना हुआ. आई थिंक हम दोनों, अरे नहीं मतलब तुम्हारा, हम दोनों स्मार्ट है बट बहुत डिफरेंट चीजों में. तुम बहुत ज्यादा इन डेप्थ स्मार्ट है अपनी सिर्फ कुछ कुछ चीजों को लेकर, बट मैं बहुत ज्यादा चीजों के बारे में इनफ जानती हूँ. तो अगर डोमिनेटिंग से तुम्हारा मतलब ये है कि मतलब वो मेरे को हमेशा ऐसा बोल के रखती, तो नहीं, वो हमेशा मेरे को हेल्प करती है, वो चीज अग्री करूंगा. हम दोनों में से किसी को डोमिनेटिंग होने का जरूरत नहीं है मुझे लगता है, हम दोनों का वो योर लव लैंग्वेज इज एक्ट ऑफ सर्विस, नॉट रियली कैसा सर्विस, देयर इज नो सर्विस हियर. अरे लव लैंग्वेज क्या है पहले वो समझाओ, किस बारे में बात करके बात मत करो, बोलो क्या होता है लव लैंग्वेज. अरे मतलब तुम्हारा लव कैसे सबसे ज्यादा दिखाता है, जैसे अभी कुछ लोग होते हैं उनका लव लैंग्वेज होता है टच करना, कुछ लोगों का लव लैंग्वेज होता है गिफ्ट देना, कुछ लोगों का लव लैंग्वेज होता है, ऐसे डिफरेंट डिफरेंट चीजें होती है ना. तो तुम्हारा लव लैंग्वेज क्या है, तुम अपना लव बिना बोले कैसे एक्सप्रेस कर सकता है, बिना आई लव यू बोले नहीं करता है इसका लव. मेरा लव लैंग्वेज हैज टू बी मेकिंग हिज बोरिंग फूड इंटरेस्टिंग, दैट इज माई लव लैंग्वेज. मेरा भी बोल दो, मेरे को तो नहीं पता था, अभी एहसास हुआ तुम्हारा कि हाँ जब तुम बहुत अच्छे से मेरे को फ्रूट बन और मशकला आके खिलाते हैं. अरे अरे वो वाला चीज तुम्हारा बोल, मेरा बोलो, मेरा क्या पीएचडी डिग्री विग्री कौन करता है भाई, लव लैंग्वेज ये सब भाई हमारे लिए लव लैंग्वेज होता है भाई. लव लैंग्वेज कुछ नहीं होता, लव मतलब प्यार, लैंग्वेज मतलब मराठी गुजराती. इसका लव लैंग्वेज है जब मैं बाहर रहती हूँ या मैं कुछ कर रही होती हूँ या मैं किचन में रहती हूँ, तब ये बेडरूम साफ कर देता है मेरे आने से पहले पहले, ताकि हम लोग बेड के साथ में नेटफ्लिक्स देख सकते हैं. That is his love language. ये तो I think तुम सही बोल रहा था, मैं ज़्यादा smart हूँ. I feel like if I saw you out in public, I would think you would look intimidating. Not me, but him for sure. तुम्हारा थोड़ा सा resting face है. मैं मतलब बाहर भी ही हु करते हुए घूमती हूँ. और मैं मतलब सोचते रहता हूँ कुछ ना कुछ, मतलब मेरे दिमाग में वहाँ पर चल रहा, बट मैं वहाँ पर नहीं चल रहा रहता. मैं कहीं और चल रहा रहता हूँ. तो कोई भी आके मेरे से मिलता है ना, तो मैं सबसे पहले तो मेरे को वहां से यहाँ पर जो मेरा ट्रैवल करने का ये रहता है, जर्नी रहता है, हाँ, वो बहुत डिफिकल्ट रहता है. मुझे एक स्टोरी बताना है इससे. क्या? तुमको याद है हम लोग अभी बीच में जब मैं पार्क जाने लगी थी 2-3 दिन के लिए, तब हम लोग, मैं और मम्मा पार्क में ही हम लोग वर्कआउट कर रहे थे, स्ट्रेच कर रहे थे, और ये पूरा टाइम अपना हुडी और अपना हेडफोन्स लगा के रखता है. तो इसके पास एकदम प्यारा, एकदम छोटा, छोटा नहीं मतलब एकदम प्यारा बोल दो, छोटा वोटा नहीं, नॉर्मल था, नॉर्मल लड़का आया और उसने इससे पूछा, भैया आप कौन से जिम जाते हो? और ये ऐसे ही वहां पे खड़ा हुआ है, भैया उधर से वेट्स उठाया और निकल गया. और मैंने वो लड़के को देखा और वो सिर्फ पॉकेट्स में हाथ डाल के वो ये कर रहा है. वो बेचारा इतने शौक में कि वो वहां से ना वो निकल पाया ना वो रुक पाया. हेडफोन्स लगा के मेरे को कुछ सुनाई नहीं देता, और जब मैं वर्कआउट करता तभी तो मेरे को कुछ भी सुनाई नहीं देता. सो वेयरएवर यू आर, आई होप ये वीडियो तुम किसी ना किसी दिन देखो. And please know that I am very sorry. इसके behalf में. मैं भी sorry हूँ. मैं मुझे पता था मैं भी इसको बुला सकती थी, but मैं भी चिल्ला के आवाज लगाती उसमें मेरा ही मतलब पचकीश होता. नहीं तुमको मैं सुन लेता, मेरे को पता ही नहीं कि वो लड़का खड़ा है, मेरे को लगा अपने दोस्तों के साथ खड़ा है. कम से कम उसका मुंह तो देखते एक बार. मैं क्यों देखूं किसी का भी मुंह? मैं वर्कआउट करने जा रहा हूँ या मुंह देखने जा रहा हूँ लोगों का? You got your answer. नहीं, सामने से आने का ना, ऐसा हाथ वाथ दिखाने का समझ में आना चाहिए ना, हेडफोन्स पहने ला इंसान, गाना चल रहा है. मैं थोड़ी ना स्टाइल मारने के लिए हेडफोन्स पहनता हूं भाई, मेरा गाना बहुत जोर से चलता है. मैं पहनती हूँ सिर्फ हेडफोन्स लगा के लोगों का बात सुनते हैं. मैं इतना जोर से गाना लगाता हूँ ना कि डंबल पैर पे गिरेगा, खुद चिल्लाऊंगा खुद को सुनाई नहीं देगा. खुद को लगे कुछ लगा ही नहीं है भाई, चिल्ला तो नहीं रहा है तू वैसा वाला. You seem very sweet, but your dark side comes out when someone does you dirty. I think वो सबके साथ होता है. कोई भी सबसे भी sweet हो. अब dark side का level होता है. हर किसी के लिए dark side अलग होता है. कोई एकदम ज़्यादा outrageous होता है. कोई हाँ ठीक है ignore करके निकल जाएगा. Ignore करके निकल जाना भी एक type of dark side है. वो उसका way of coping up है. Coping up with the environment है. तो बट आई थिंक डार्क साइड सबका होता है, और स्वीट जहाँ तक होने का बात है, आई थिंक वो भी
मतलब सबका वेरी करता है लोग कितने हद तक स्वीट हो सकते हैं. बिफोर आई यूज टू थिंक यू गाइज आर रियली ऑकवर्ड टूगेदर, नाउ इट्स ऑल चिल. इसके वजह से, इस लड़के के वजह से मैंने एक डेढ़ साल तक बात नहीं किया. नहीं किया क्योंकि फर्स्ट टाइम मुझे जब ये मिला था मुझे लगा बहुत ऐसे शांत चुप ऐसा होगा, थोड़ा सा हेलो वैसा वाला. हेलो रियल. हाँ बट याद है इतना बात किया कि नेक्स्ट एक साल तक मेरा आवाज ही. That was my nervousness. मैं इतना नर्वस हो गया था कि मैं बोला कि तू चुप रहा तो गया. वो एक दिन ने हम लोगों को डिफाइन किया. सो आई थिंक दैट इज वाई थोड़ा सा ऑकवर्ड लगता होगा. बट या यू बोथ आर स्टिल फ्रेंड्स विद अ लॉट ऑफ पीपल यू वेंट टू स्कूल विद. नो नो मतलब ऐसा ही कोई कभी मैसेज कर देता है तो हाय हेलो हो जाता है, बट ऐसा फ्रेंड्स फ्रेंड्स बोलेगा तो ये नहीं होता है कि हाँ ब्रो चलना मिलेगा प्लान बनाते ब्रो. उतना टाइम ही नहीं है. हाँ और ऑनेस्टली मुझे लगता है कि हम दोनों ने मतलब हम लोग जहाँ से आए हैं वो जगह को बहुत ज्यादा हम लोग आउटग्रो कर चुके हैं. हम लोग बहुत आगे निकल गए हैं वो जगह से. आई डोंट थिंक एंड इट माइट साउंड अ लिटिल मीन बट आई डोंट थिंक वो सेम लोग अभी हम लोग लाइफ में जहाँ पर है वो पर्पस फुलफिल करते हैं. यू नो लाइफ में हर कोई अपना एक पर्पस फुलफिल करता है. मतलब मैं तुम्हारी लाइफ में एक पर्पस फुलफिल कर रही हूँ सॉर्ट ऑफ. मैं मतलब उसको उस तरीके से देखती हूँ. सो नो आई एम नॉट फ्रेंड्स विद एनीवन. My oldest friends are friends from college. School से कोई भी नहीं. हाँ, school से कोई भी नहीं. I miss my friends, of course I do. मतलब बहुत ही हम लोग close friends थे, but हो गया इतने assumptions से. Assumptions के साथ यही चीज है यार कि मन करता है मतलब answer करते रहो. क्योंकि एक वो आता है ना कि हम लोग मतलब कितने सारे misunderstanding की एक दूसरे के बीच में clear कर रहे हैं. I hope this video is good for our relationship. I hope you guys enjoyed. काफी टाइम बाद थोड़ा normal वीडियो आया है. बैठ के बातें करें ना. हाँ मुझे बहुत ज्यादा मजा आता है सब लोगों से बात करने में. To know कि हम लोग सब एक ही. हम लोग. Me too. If you guys had fun, make sure you like, share, subscribe, do your thing, and comment. हाँ comment करना बहुत ज्यादा important है. Please comment. And if you made it till here, special love. For you. We'll see you guys the next time. Comment करे तो एक special भी तुम्हारे लिए. ये वाला तुम्हारे लिए. Bye. खुश आ गया.